नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पेरेंट हैं और अपने बच्चे के बढ़ते हुए स्कूल बैग के वजन से परेशान हैं, आपको लगता है कि आपका बच्चा छोटा है और उसका स्कूल बैग बड़ा है, या उसके सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, या स्कूल जो है एडिशनल बुक्स जो है या एक्स्ट्रा मटेरियल जो है आपके बच्चे से मंगवाता है, आपसे मंगवाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने जो है लेटेस्ट अभी एक नोटिफिकेशन निकाली है, जिसके अंतर्गत उन्होंने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को गाइडलाइंस दी हैं और कुछ उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो कि उन्होंने अपने स्टेट वाइज और यूटी वाइज जो है अपने स्कूलों में लागू करनी है। ये इंस्ट्रक्शन जो है सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को, स्कूल्स को दी गई हैं कि वो जो है गाइडलाइंस फ्रेम करें एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों ये इंस्ट्रक्शन दी हैं? ताकि जो स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं, टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, या वेट ऑफ द स्कूल बैग है, उसको रेगुलेट किया जा सके। क्योंकि देखिए, अभी जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने हिसाब से जो है बुक्स जो है वो मंगवाते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स जो है वो तो लगनी ही लगनी है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा बुक्स भी मंगाते हैं, और सब्जेक्ट्स जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बुक्स का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, होमवर्क जो है वो देते हैं, छोटी क्लासेस को भी देते हैं। तो ऐसे में इन सभी चीजों को रेगुलेट करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट्स सभी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो गाइडलाइंस फ्रेम करें, और गाइडलाइंस जो है इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है, और कंप्लाई द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द होमवर्क, यानी कि होमवर्क की जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं पर्टेनिंग टू द होमवर्क, की होमवर्क किसको देना है किसको नहीं देना है, वो भी वो कंप्लाई करेंगे, और वेट ऑफ द बैग, स्कूल बैग का वेट जो है वो कितना होना चाहिए, ये भी जो है वो गाइडलाइंस फ्रेम करेंगे, और दिस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। ये जो है सभी चीजें विद इमीडिएट इफेक्ट होंगी, तो सभी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो है उनके अंडर जितने भी स्कूल्स आते हैं, जो वो जो है फ्रेम करेंगे गाइडलाइंस एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो छोटी क्लासेस के बारे में बात करते हैं, क्लास 1 एंड 2। तो क्लास 1 एंड 2 है तो उसमें इंस्ट्रक्शंस है कि उनको कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। स्कूल जो है उनको क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट्स को कोई भी होमवर्क जो है वो नहीं दे सकता है। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं क्लास 1 एंड 2 के, वो भी सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए ये भी गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया है कि क्लास 1 एंड 2 के सब्जेक्ट्स केवल और केवल जो है लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। अब लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी आ जाती है, या अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो वो भी आ सकती है इसमें, लेकिन बेसिकली इंग्लिश और हिंदी ही होती है, प्लस जो है मैथमेटिक्स उसमें एक इंक्लूड किया गया, तो लैंग्वेज प्लस मैथ्स। और इसके अगर आगे चलें तो क्लास 3 टू 5, तो क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th जो तक जो है उनके सब्जेक्ट्स क्या होंगे कि लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस EVS। EVS होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो क्लास 3 टू 5 जो है वो लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस EVS की सब्जेक्ट्स होंगे उनके पास, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई एडिशनल बुक्स स्कूल लगवा सकता है? जी नहीं, कोई एडिशनल बुक्स वो नहीं लगवा सकते, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लगवा सकते स्कूल, कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता स्कूल। देखिए, आज की डेट में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके सभी क्लासेस में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनके एक्स्ट्रा मटेरियल भी होता है। तो इस जो है एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए जो है ये गाइडलाइंस जो है इंस्ट्रक्शंस हैं वो इशू करी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स और यूटीज के लिए। और इसके अलावा जो है स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक का, ये भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्लास 1 से लेकर क्लास 2 तक जो है
वन एंड टू जो क्लास है, फर्स्ट और सेकंड, इसका जो है स्कूल बैग का वेट जो है 1.5 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 kg से ज्यादा जो है क्लास वन एंड टू का स्कूल बैग नहीं होना चाहिए। उसके आगे चलते हैं क्लास 3 टू 5, यानी कि क्लास 3rd टू क्लास 5th, तो इनका जो है स्कूल बैग जो है 2 से 3 kg तक होना चाहिए। 2 से 3 किलो तक का मैक्सिमम जो है 3 किलो तक का होना चाहिए। इसके बाद क्लास आती है 6 एंड 7। 6 एंड 7 का है मैक्सिमम जो है वेट 4 kg है। क्लास 8 एंड 9 इसका है 4.5 kg, और क्लास 10th जो है इसका मैक्सिमम वेट जो स्कूल बैग का होगा वो है 5 kg। तो ये जो है इन्होंने एक टेबुलर फॉर्म में जो है वेट की जो है प्रिस्क्रिप्शन दे दी है कि कितना मैक्सिमम वेट होना चाहिए क्लास 1 से लेकर क्लास 10 के स्कूल स्टूडेंट्स के स्कूल बैग का। तो ये जो है चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो नोटिफिकेशन आई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करी है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो है मेनली रिगार्डिंग है वेट ऑफ द स्कूल बैग, प्लस कि होमवर्क क्लास 1 एंड 2 को नहीं मिलना चाहिए, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए क्लास 1 एंड 2 में और क्लास 3 टू 5 में, प्लस कोई एडिशनल बुक्स नहीं होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो ये सब बेसिकली जो है इस जो है नोटिफिकेशन में जारी किया था। तो अब जो है मेरे हिसाब से सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं वो जो है इनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे अपने जितने भी स्कूल्स हैं नीचे। काफी स्टेट्स में और कुछ यूटीज में जो है ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से जो है नेक्स्ट सेशन से जो है, क्योंकि अभी तो सेशन चल रहा है बीच में, क्योंकि उसको फिर उसको डिसकंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो जो भी नेक्स्ट सेशन होगा बच्चों का उससे जो है ये प्रॉपरली जो है 100% इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, और एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिलेगा बच्चों को, खासकर क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको इतने भारी भारी बैग उठा के लेके जाने पड़ते हैं। देखिए कुछ रास्ते तक तो पेरेंट्स भी उठा लेते हैं, लेकिन उसके पॉइंट के बाद जो है क्योंकि बच्चे ने फिर आगे जाना है, बच्चे ने बस पे चढ़ना है, बस के बाद फिर उसने खुद ही उतरना है, या स्कूल गेट के बाद उसने खुद ही जाना है, तो वो काफी भारी बैग होते हैं और उनको ले जाना बहुत ही मुश्किल है। और वापस आते हुए भी ऐसे ही होता है, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चे को खुद ही मैनेज करना पड़ता है जैसे तैसे करके या किसी की हेल्प लेकर के। तो इसको नजर में रखते हुए और एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि देखिए जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं उसी को ही लगाया जाए, कोई एक्स्ट्रा फालतू बुक्स ना लगाई जाए, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है इशू की गई है। तो प्लीज जो है जितने भी पेरेंट्स हैं जितने भी दर्शक हैं इस बात का ध्यान रखें जो मैं आपको बताई है आज। आप ये नोटिफिकेशन जो है गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी, और इसकी काफी जो है आज की डेट में काफी इसकी सराहना हो रही है। सभी पेरेंट्स जो है बच्चे जो है इसको लेकर के काफी जो है उत्साहित हैं और खुश भी हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार ही हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।